नमस्कार, सलाम, स्वागत और जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अभ्यास कर रहे होंगे अपने पूर्व के ज्ञान का। ज्ञान के सिलसिले की और सूचनाओं के सिलसिले के दौर में थोड़ी सी सूचनाएं आपको दे देते हैं। ज्ञान संवर्धन हो ना हो ये भविष्य बताएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसका पीएचडी के इंटरव्यू का या कहें काउंसलिंग का शेड्यूल आया है और आज सुबह ही लगभग इसकी सूचना मुझे मिली है, लगभग 10 बजे के आसपास 8 जून को। तो आपने भी यदि इस विश्वविद्यालय में अप्लाई किया था और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा लास्ट तक और जिन भी विभाग का शेड्यूल आया है उसकी जानकारी आपको दे देंगे। जिस विभाग का शेड्यूल नहीं आया है, 1 से 2 दिनों में उसका भी शेड्यूल आ जाएगा। तो आपसे निवेदन है, कोई प्रार्थना तो है नहीं, कमेंट करके दूसरे डिपार्टमेंट की सूचनाएं मत पूछिएगा कि हमारा नहीं आया है तो कब तक आएगा। जिसका भी आएगा आपको बता दिया जाएगा और जिनका आया हुआ है उसका मैं आपको अभी बता दूंगा। इंटरव्यू आपका लखनऊ में होगा या कहीं और होगा ये भी बता दूंगा। इंटरव्यू का माध्यम क्या होगा ये भी बता दूंगा। सिनॉप्सिस के विषय में बता दूंगा और इंटरव्यू में कितने नंबर आपको डिवाइड किए गए हैं 3 कैटेगरीज में वो भी आपको बता दूंगा। कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी पड़ेंगे आपको इंटरव्यू के वक्त ले जाने के लिए, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो पूरा वीडियो देखना हो देखिएगा, जितने मन में सवाल हो पूछना हो पूछिएगा और हमारा तो काम है सूचनाओं को देना, क्योंकि सूचनाएं केवल इन्फॉर्मेशन होती हैं। सूचनाओं को कभी ज्ञान मत समझिएगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन नॉट इज ए नॉलेज, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, 7 जून का ये नोटिफिकेशन है जो पहला मेरी स्क्रीन पर है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ और इसके बारे में आपको बताना है। डिपार्टमेंट का नाम है मैथमेटिक्स, गणित। इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुने, 15 जून 2022 सुबह 10 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, यानी कि 7 दिन का समय है। किसी के पास 70 मिनट होते हैं तो किसी के पास 35 मिनट भी होते हैं। आपके पास 7 दिन है इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के बच्चों को। जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है इस डिपार्टमेंट में, उसकी एक लिस्ट है, डिपार्टमेंट ने डाली है अपनी वेबसाइट पर, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो घबराइएगा तो मत, ठीक है, देख लीजिएगा। आपके इंटरव्यू का वेन्यू है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। पिन कोड बता दें 226025, ठीक है। इस एड्रेस पर जाकर आपको अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू होगा पूरी तरीके से ऑफलाइन और साथ में आपको अपना शोध प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, यानी कि सिनॉप्सिस, साथ लेकर जाना है। उसका फॉर्मेट और तरीका मैं आपको 1 मिनट में आगे बता दूंगा इन शॉर्ट में। डिटेल के लिए कई वीडियो पहले बनाए हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्मेट कॉमन होते हैं, पॉइंट्स कॉमन होते हैं, उसको देखेंगे समझेंगे, आपको बहुत बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी आपको आने जाने की और रहने की व्यवस्था नहीं करेगी। कहीं आपके मन में होगा यूनिवर्सिटी आपको आने जाने का किराया देगी, व्यवस्था करेगी ना, ये सारी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोविड के नियमों का पालन कर लीजिएगा, क्योंकि आप यूपी में जा रहे हैं योगी जी की सरकार में, और नियम बड़े सख्ती से लागू होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है, हाँ, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से आपको कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल नहीं करेगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और डिपार्टमेंट है जिसका नोटिफिकेशन आया है उसकी बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन 6 जून का है, डिपार्टमेंट का नाम है लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और अभी 1 हफ्ता 10 दिन रिजल्ट आया है ना UPSC के मेंस का, आपने सुना, उसी से संबंधित है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस डिपार्टमेंट में जिन भी बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उन सभी का इंटरव्यू रखा गया है 17 जून 2022 सुबह 10 बजे से। और याद रखिएगा, जो आपके इंटरव्यू का टाइमिंग है ना, उससे 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपका वेन्यू है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसमेंट गौतम बुद्ध लाइब्रेरी, VBAU लखनऊ, है ना। ये आपका एड्रेस हो गया। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट से आने से पहले एक चीज़ इसमें कही गई है, दोनों ही डिपार्टमेंट को लेकर, सभी डिपार्टमेंट पर लागू होती है, कि जो आपकी फीस पेमेंट होगी ना एडमिशन की, ऑनलाइन या ऑफलाइन या कैश, कैसे भी सबमिट कर सकते हैं। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ड्राफ्ट बनवाना है या ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है, या आप लखनऊ जाते हैं उसके आसपास रहते हैं, कोई आपका फ्रेंड रहता है आसपास, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहती हैं, उसके माध्यम से फीस को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय जिसका एडमिशन होना है उसको पहुँचना ज़रूरी है, मौजूद होना ज़रूरी है। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, यदि ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू को देने गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जॉब करते हैं,
कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, इंटरव्यू के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा एकेडमिक डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है कोई समझ लीजिए, यदि आप कहीं जॉब करते हैं और जॉब कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है पीएचडी में, तो जहां आप जॉब करते हैं वहां से आपको एक गैर आपत्ति अनापत्तिजनक प्रमाण पत्र लेना होगा, उसी को बोलते हैं एनओसी, जिस पे बताया गया होगा, लिखा गया होगा कि आप इस संस्थान में इस इतने समय से इस पोस्ट पर काम करते हैं और आपने इस विश्वविद्यालय में आवेदन किया है पीएचडी करने के लिए, तो आपके पीएचडी करने पर संस्थान जहाँ पे आप जॉब करते हैं कोई उसको आपत्ति नहीं है, कोई उसको मनाही नहीं है, इसी को बोलते हैं एनओसी, जो आपको साथ लेकर जानी है यदि आप जॉब कैटेगरी से अप्लाई किए हैं। और जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे उसकी कम से कम 2 फोटोकॉपी साथ में रखिएगा, ज़्यादा कर लेंगे तो बेटर रहेगा, कम से कम 2 ज़रूर रखिएगा, पेन ड्राइव में जरूर रखिएगा, ईमेल पे सेव रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स में आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, 10th 12th यूजी पीजी की मार्कशीट, यदि पीजी के अंतिम सेमेस्टर में है रिजल्ट नहीं आया है तो एडमिट कार्ड साथ रखिएगा पीजी के एंट्रेंस एपीएजी के एग्जाम का, पीजी के एग्जाम का, और तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिसमें बच्चों का एग्जाम हो चुका होगा पीजी का रिजल्ट नहीं आया है, तो पीजी के तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट साथ रखिएगा। यदि आप एमफिल कर चुके हैं तो एमफिल का जो भी आपके पास प्रूफ है, मार्कशीट हो, कोर्स वर्क का रिजल्ट हो या फाइनल रिजल्ट हो, वो रखिएगा। यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी साथ रखें, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने या जिन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने अप्लाई करते वक्त में दी थी वो सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने हैं, ठीक है। माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट यदि निकलवा चुके हैं यदि है तो उसको भी साथ में रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे अप्लाई करते वक्त, यदि इंटरव्यू के टाइम या फिर एडमिशन के टाइम आपके पास नहीं होते हैं तो आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा, और यदि इन दोनों कंडीशन में विश्वविद्यालय आपके अंडरटेकिंग को स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अंडरटेकिंग को स्वीकार नहीं करता है तो आपका एडमिशन कैंसिल करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय के पास है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। एक और बात कि यदि आपका कोई गैप हो गया है, ये नया नियम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गैप ईयर का, तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और गैप कम से कम 2 साल का है तो वैलिड माना जाता है, 2 से ऊपर साल का गैप हो गया, 3 साल का गैप है, 4 का है, 5 का है, तो आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट साथ लेकर जाना होगा गैप ईयर का, आपको अपना पूरा डिटेल देना होगा, गैप क्यों हुआ, कब से कब तक हुआ, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उन्हीं को साथ में लेकर जाना है जिनका गैप हो चुका है, ठीक है। अपने विभाग से या यूनिवर्सिटी से कन्फर्म कर लीजिएगा कि कितने साल के गैप वाले बच्चों को ये एफिडेविट साथ लेकर जाना है, और ये इंटरव्यू से पहले आपसे देखा जाएगा, ओरिजिनल लेकर जाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक और इसमें बात कही गई है कि यदि आप फिजिकल कैटेगरी में आते हैं यानी कि पीएच कैटेगरी में आते हैं, आप यदि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेकर जाना होगा। एक और बात कैटेगरी संदर्भ में बता दूं कि आपकी जो पीएच की कैटेगरी है ना, परसेंटेज जिसे बोलते हैं 40% से ऊपर होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और एनओसी आपको बता दिया, मेडिकल का बता दिया, गैप का बता दिया, एससी एसटी का सर्टिफिकेट का बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिए, ट्रैवलिंग का बता दिया, फोटोकॉपी करने सबको, अब आता है सिनॉप्सिस प्रपोजल। देखिए आपको एक विषय चुनना है, जैसे कोई किताब लेते हैं, किताब का एक टाइटल होता है ना, उसी टाइटल को बोलते हैं शोध का विषय। फिर आप जब किताब खोलते हैं तो आप उसमें देखते हैं विषय सूची, उसी को बोलते हैं चैप्टराइजेशन, जैसे कि आपने पढ़ा विषय सूची अनुक्रमणिका बोलते हैं इसको, है ना, कंटेंट बोलते हैं। चैप्टर 1 लिखा होता है, चैप्टर का नाम लिखा होता है, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 2 का नाम, चैप्टर 3, चैप्टर 3 का नाम, ये रिसर्च के पॉइंट्स होते हैं। अब आपको प्रपोजल में क्या क्या बातें लिखनी है, एक विषय लिखिएगा जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट लिखिएगा प्रस्तावना जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि आप किस विषय पर काम करना चाहते हैं, क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे और क्यों काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, ये तीनों बातों का जिक्र 2 से 3 लाइन में आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, उसको बोलते हैं हम हाइपोथीसिस यानी कि कल्पना। आप अपने विषय पर काम करने की एक संभावित रूपरेखा लिखेंगे बनाएंगे, काल्पनिक होगी ये, संभावित इसलिए बोला गया है, और ये चेंजेबल हो सकती है काम करने के अनुसार, लेकिन अभी आपको इसको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आधे पेज में इसको लिखिएगा। और जो इंट्रोडक्शन वाला पेज होगा कम से कम 1 पेज तो जरूर लिखिएगा, 1.5 पेज हो जाए 2 पेज में फर्क नहीं पड़ता है, 1 पेज तो लिखिएगा इंट्रोडक्शन को, और ये हाइपोथीसिस यानी कि कल्पना का आधा पेज लिखिएगा। तीसरे बिंदु पर आते हैं, उसको बोलते हैं आपकी मेथोलॉजी यानी कि शोध करने का आपका क्या
विधि होगी, ठीक है। आप गुणात्मक शोध करना चाहते हैं, मात्रात्मक शोध करना चाहते हैं, वैज्ञानिक शोध करना चाहते हैं, यानी कि आपका शोध क्वांटिटिव होगा या क्वालिटिव होगा या क्वांटिटिव होगा या क्वालिटिव होगा या फिर साइंटिफिक होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा मेथोलॉजी में आपको मेथड बताना पड़ेगा अपना, ठीक है। मेथोलॉजी तो तीन हो गई, गुणात्मक, मात्रात्मक और वैज्ञानिक मेथोलॉजी। अब मेथड आपका होता है कि आपका शोध ऐतिहासिक होगा, राजनीतिक होगा, धार्मिक होगा, सांस्कृतिक होगा, जो कुछ भी होगा, या फिर आध्यात्मिक होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षेत्र, इसी को बोलते हैं मेथड, ठीक है। बारीक अंतर है, समझ लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद अगला पॉइंट आप जाएंगे, उसको लिखेंगे कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उसके विषय के काम करने के कौन कौन से शोध के प्रश्न हैं आपके। ये रिसर्च ऑफ द क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि शोध के प्रश्न तो आपको बताने हैं कि आप किन समस्याओं का समाधान अपनी शोध के माध्यम से समाज को, विभाग को, विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। किन सब सवालों का जवाब आप खोज रही हैं, और जिन सवालों को आप खोज रही हैं चिन्हित करेंगे उन्हीं को बोलते हैं रिसर्च के क्वेश्चन, शोध के प्रश्न। इसको आपको डिटेल में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखने हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। और बकायदा प्रश्न को ये नहीं लिखेंगे, प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर दो ना, प्रश्न नंबर एक होगा क्या, एक लाइन दो लाइन में लिखना है पूरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा लिखना है, इसको भी आपका चाहे एक लाइन में लिखिए, 5 शब्दों में लिखिए, 3 शब्दों में लिखिए, आपको बताना होगा, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन के बाद आपको लिखने हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं शोध का उद्देश्य। आप जिन सवालों के जवाब खोज रही हैं उनका जो जवाब मिलेगा, उन जवाब को प्राप्त करने के बाद आपको प्राप्त क्या होगा, उद्देश्य क्या है उन सवालों को खोज, उन सवालों का जवाब खोजने का आपको। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भारत में बहुत गरीबी है, ये तो समस्या हो गई। आपने इसका समाधान खोज लिया परिवार नियोजन, या खोज लिया शिक्षा, या खोज लिया लोगों को रोजगार दे दीजिए, लोगों को सभ्य बना दीजिए, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के बाद, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के बाद आपको मिलेगा क्या, जनसंख्या पर नियंत्रण आप किस उद्देश्य से करना चाहते हैं उसके भी बेनिफिट आपको बताने पड़ेंगे। तो आप जिन समस्याओं का समाधान सोसाइटी को देना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा पॉइंट्स में, उसको भी कि पहला उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य ये है, ठीक है। ये आप बताएंगे, रिसर्च क्वेश्चन लिख दिए, रिसर्च के आपने ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य लिख दिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, आपका कोई भी फील्ड हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, मीडिया का हो, हिंदी का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, आपके शोध विषय का वर्तमान समय में क्या रेलेवेंस है, शोध विषय की क्या प्रासंगिकता है, रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च इन प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। इसको भी आपको लिखना है, और इसको डिटेल में लिखना है आपको, 10 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन, जो भी लिखना है लिखिएगा, इसको लिखना जरूरी होता है। आपने ये लिख लिया, इसके बाद आते हैं सबसे जरूरी चीज पे, जिसको बोलते हैं संभावित अध्यायकरण, जिसको बोलते हैं चैप्टराइजेशन। आपके पहले चैप्टर का नाम क्या होगा, पहले अध्याय का नाम, दूसरे अध्याय का नाम क्या होगा, तीसरे अध्याय का नाम, आपको लिखना है। इसके बाद लिखनी है आपको बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि अपने शोध प्रस्ताव में और अपने शोध कार्य में काम करते वक्त अगले 5 से 7 सालों में जो भी आप करेंगे उसके लिए किन किन पुस्तकों का, किन किन बुक्स का आप प्रयोग या फिर यूज करेंगे, कौन कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी मैगजीन है जिनकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, कौन से ऐसे शोध आलेख हैं या रिसर्च आर्टिकल हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे अपने रिसर्च को करने के लिए, क्या किसी प्रकार की कोई इंटरनेट की वेबसाइट का या किसी सामाजिक संजाल तंत्र के टूल्स का प्रयोग आप करेंगे, या फिर आप अपने रिसर्च में काम करते वक्त किसी का कोई साक्षात्कार लेना चाहते हैं, किसी संस्थान की हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप क्या इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज करेंगे संस्थान का, या आप इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च का यूज करेंगे, या आप किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो इन सभी सोर्सेज की आपको एक लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है, और उसका जिक्र करना है आपको बिब्लियोग्राफी यानी कि संदर्भ सूची में। तो ये जो लास्ट के 4 से 5 मिनट हैं, जो कि मैंने अपनी समझ, अपने अनुभव से आपको बताए प्रपोजल को लेकर, और आपका इंटरव्यू किसी भी विश्वविद्यालय में हो, चाहे पीएचडी का हो या एमफिल का हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो, सभी जगह यही पॉइंट के आधार पर आप अपना शोध प्रस्ताव या प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाते हैं। नाम 3 है, काम 1 है, ध्यान रखिएगा। और आपके दिल में, दिमाग में, किडनी में, लीवर में, या आप तो आपके व्हाट्सएप है, क्योंकि दिमाग हमारा व्हाट्सएप हो गया है, या आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में कुछ सवाल पैदा हो और हो चुके होंगे, पूछ लीजिएगा और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और जो बकवास आपके समक्ष हमने कही है ना, बाके लेकर कोई सवाल हो तो है जहन में, तो सवाल दाग दीजिए, वो सवाल दागने के बाद आपको जवाब सुन लीजिए,
ठीक है। और सवाल ना सुने मोड़ा मोड़ी तो नुकसान होएगो तोए, माए कोई नुकसान ना होए। काहे के पीएचडी तो के करनी है, यूनिवर्सिटी तो को इंटरव्यू लेगी, यूनिवर्सिटी हमारे इंटरव्यू ना लेबो, समझे बाबू। तो जो जो सवाल आपके जहन में हो पूछ लीजिएगा, और जिन डिपार्टमेंट का शेड्यूल आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर पोस्ट डाल देंगे, क्योंकि दो दो डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन बताना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अब आया ही दो डिपार्टमेंट को तो आपको बता देते हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू की डेट्स आनी शुरू हो गई है। तो मैंने जो बकबक की या जो भी आपको समस्याएं बताई, इन्फॉर्मेशन दी, उसको लेकर भी कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सवाल हो पूछ लीजिएगा। लेकिन सवाल पूछने से कम पहले वेबसाइट्स को और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लेता हूँ विदा, अगले वीडियो की तैयारी करनी है, आपको सूचनाएँ भी देनी है, तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का और अपने माता पिता का रखिएगा ख्याल, और सीखते रहिए, जीतते रहिए। जिस दिन आपका सीखना बंद हो जाएगा, उस दिन आपका जीतना बंद हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, आपके अपने दशकंठी को दीजिए विदा। जय हिंद, सलाम।